राख की तपिश, एहसन भाग्य की लिखी हुई कहानी। दूसरा भाग। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। सुबह हुई, फैजू इतनी अच्छी लड़की थी जितनी कि मिस रजी ने उस पर मेहनत की थी। वैसे हसनी ने उसमें खासी तलखी महसूस की थी। उसकी चाल एक जैसी न थी। वो हसनी की बड़े ध्यान से खिदमत करती थी। वो अचानक चौंक पड़ती, ना बीबी, मैंने स्कूल नहीं जाना, आप करें ये निकम्मे काम। ऐसे में वो हंसने की तरफ भी चोर निगाहों से देख लिया करती थी। लेकिन जहाँ एक सियासी वर्कर बर्फ की सील की तरह अपना चेहरा लिए होता है। अच्छा, मेरी फाइल क्लोज हो चुकी है, उसके लहजे में उदासी थी। वो बड़ी तेज स्टूडेंट लीडर और उसके बाद दिलेर पार्टी कारकुन समझी जाती थी। जी हाँ, आखिरी नोट जो तुम्हारी फाइल पर चढ़ाया गया है वो खासा मकबूल हो चुका है। उसने नोट पढ़ना शुरू किया। मिस रजी, शी सेड गुड बाय टू हायर लर्निंग्स, पॉलिटिक्स एंड रिवॉल्यूशन, रिटर्न एयर विलेज एंड परहैप्स मैरिड। फाइल बहुत दिलचस्प है। हसनी, तुम नए लोग इतनी जल्दी छुपने क्यों लग जाते हो? या फिर इतने तेज हो जाते हो कि तुम्हें छुपना पड़ता है? फैजू स्कूल गई हुई थी। रजी, हसनी ने भी उसी लहजे में पुकारा, तुमने अपनी बहन को बड़ी नहीं होने दिया, ये क्या आपका मसला है? क्यों बड़े दरख्त वाली घनी छांव बन जाती है कि उसके नीचे कोई पौधा फल फूल ही नहीं सके? मिस रजी उसके साथ बुजुर्गों की तरह पेश आ रही थी, लेकिन ये कहकर हसनी ने उसके बुजुर्ग वाले हक पर लकीर फेरने की कोशिश की। वो उसे खाली जवान लग रही थी। हसनी अंदरूनी साजिश किए बैठा था बेचारा। आखिर यहाँ हम लोग जो है तो ये भला कैसे नॉर्मल रह सकता है? हसनी जान, ज़रा बाहर चल फिर आओ, लोगों से मिलकर आओ। लोगों के साथ? खैर खैर, मुझे देहात में इनकलाब शुरू करने का कोई ख़ास शौक नहीं है। हाँ, मैं शायद अड्डे पर जाऊंगा, बीचों बीच ज़रा अखबार पढ़कर आऊंगा। हाँ, उसने हैरत से आंखें बाहर निकाल ली, देखना कहीं इंटेलिजेंस वाले तुम्हें यहाँ तक फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। ये भी सोचा है कहीं तुम्हारी मेज़ुबाने भी इन्फॉर्मर तो नहीं? वो मुस्कुराई और वो भी किसी शक्ल बनाए बाहर निकल गया। रजी उठी, उसने एक दो अंगड़ाइयाँ ली। हसनी का शेव का सामान जो वो धोकर रख गया था जाले में सलीके से जमाया, फिर ऊपर नीचे दूसरे कामों में जुट गई। आज मौसम भी कुछ अच्छा था। उसके छोटे बड़े बहुत से मसले एक साथ खुद ब खुद सुलझते गए। कभी कभी अंदर से कोई रचनात्मक शक्ति जाग पड़ती है। घर की बहुत सी चीज़ें जो कभी अपनी असली जगह पर नहीं मिलती थी और इधर उधर मिलती थी, उन्हें सही जगह मिलती चली गई। ये ट्रंक इधर, पीड़ा उस जगह और गल्ले का बर्तन कोने में, छोटी बहन की बीए की किताबें कहाँ रखी जाए, यहाँ हसनी की चीज़ों के साथ मेरी किताबें ताक पर। और कोई काम न बचा तो वो लस्सी लेने चल पड़ी। वहाँ एक नई नवेली से वो गले लगकर मिली। वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसका मंगेतर मर गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी फिर रही थी। उसने खुश करना ज़रूरी समझा। वो मक्खन वक्खन ले आई, एक दो अच्छे खाने पकाए। हसनी तो शायद शाम को वापस आएगा, अलबत्ता मैं और छोटी मिलकर खा लेंगे। उसने फैजू का घटिया
किस्म का खुशबू वाला तेल पानी में मिलाकर कमरे में छिड़क कर खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए थे। ऐसे घटिया तेल का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता था। उसने फैजू को कई मर्तबा समझाया था। फैजू वापस आ गई तो आज वो पहले की तरह अपने तेल की बर्बादी पर रोई नहीं। फैजू, ये दरमियानी चरपाई तुम्हारी और उधर वाली तुम्हारे? बीबी, वो सिर पिटा कर रह गई, मैं रो पड़ूंगी। ये आ कहाँ से गया ऊंट कहीं का? फैजू, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होते पगली, वो शाम को वापस आ जाता है। वो लोग रात इकट्ठे गुजारते हैं, रेडियो पर खबरें सुनते, थोड़ी बहुत इधर उधर की गुफ्तगु के बाद वो सो जाते। सुबह वो 2.5 मील दूर अखबार पढ़ने जाता। एक दिन उसने पुराना अखबार और अपनी सारी किताबें असनी के आगे खोल कर रख दी और नोट्स भी दिखाए। पढ़े लिखे लोगों की ज़िंदगी के कुछ कोने उनके इंटेलेक्चुअल कामों में ढूंढना रजी की रिजर्वेशन रही थी। असनी एक ख़ास अंदाज में मुस्कराया, मैं निकम्मी ज़रूर हूँ लेकिन मेरे पास किताबें अच्छी रही और ये मेरे नोट्स। हसनी अपनी सोच में फीका पड़ चुका था। वो घुटनों के बल बैठकर सफ़ेद ठोड़ी के नीचे भूरी भूरी उंगलियां यूं दिए बैठी थी जैसे उसकी शागिर्द हो। अब ये ठीक है मिस रजी, वो नाखून से अपने पांव नोच रहा था, कौन कह सकता है कि तुम लीडर हो, खतरनाक हो और तुम्हारी फाइलें भी हैं। तुम्हारी तो किताब मैं लिखूंगी, अपनी और तुम्हारी इकट्ठी, ज़रा फारिग होकर। हैं, फारिग होने का इंतज़ार? फिर पड़ गया बुजुर्गी का दौरा। किताबें खोलकर उसने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उस दिन वो पेड़े बना रही थी, वो चूल्हे के पास उसके सामने सब्जी काटने आ बैठा। रजी आंखें झपकाती देखती और जल्दी जल्दी रोटियां पकाती रहती। कौन कहता है तुम सियासतदत्ता हो, ऐसी चमकती हुई तुम्हारी आंखें हैं। होठों को सिकोड़ती हुई बहुत कच्ची हो बैठी हो, चिकनी बाहों वाली और तुम्हारी कमीजें यहीं सामने घिस घिस कर फट जाती होंगी, लेकिन तुम हो बहुत बड़ी, हम तुम्हें सलाम करते हैं। बड़ी बी, तुम इधर ही देखती रहना। उसने अपना दुपट्टा ज़रा झुका लिया, तुम सब्जी की जगह हाथ काट बैठोगे, अब काम न करने पर तुम्हारा मूड बनता जा रहा है दिन ब दिन। तुम हाथ काटना अपने, बहुत थड़ोले होते हो अंदर से। बस एक बात बाकी रह गई है कि अपने हिस्से का मैं भी काम कर आया हूँ पार्टनर, और तुम भी अपने लिए काफ़ी नाम पैदा कर चुकी हो। आओ अब हाथ काटे, अंदर से इतने तंग नज़र होते हो तुम सब लोग। जी हाँ, लोग कहेंगे बहुत घनी बेर थी। वो एक खूबसूरत सा पौधा पांव के नीचे सुखा दिया, कंधारी अनार का छाव मारी गई थी उसे। न हम घनी बेर, न हम ठंडी छाव। उसका चेहरा पीला पड़ गया, धुआं, उसे आंखें झपकनी पड़ी। अरे धुआं तो नहीं, असल में तो शोले उठे हैं, हवा जो दे दी है मैंने, अब वही तपिश महसूस की जा रही है ना। वो चुपचाप मुस्कुराता रहा। फैजू, आओ बनो, रोटियां पका लो, आओ जल्दी, जगह मैं धो लेती हूँ। फैजू रोटियां पकाने आ बैठी। हसनी ने एकदम रोटी उठाई और चार निवाले मुंह में डाले। हाय, सालन तो पकने दो। फैजू ने रोटियों वाली चंगेरी सरका ली, लेकिन वो गर्म निवालों की वजह से हप हप करता हुआ
अड्डे पर जाने के लिए घर से निकल गया। वो नज़रें नीची किए जगह धोती रही। वो गया और रोज़ाना की बनिस्बत जल्द वापस आ गया। उसने एक अखबार बगल में दबा रखा था। उसने आते ही अपनी चीज़ें ब्रीफकेस में डालनी शुरू कर दी। क्या हो गया मिस रज़ी? उन्होंने अखबार में मेरी तस्वीर भी छाप दी है। अब यहाँ से निकलना ज़रूरी हो गया है। तस्वीर छप जाए तो छुपना ज़रूरी होता है पागल, न कि कहीं निकलना। वो उसकी तरफ देखकर लाल पीला हुआ। अब न जाना काफ़ी देर हो गई है, तुम लोग सभी ऐसे ही होते हो। नहीं, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। रज़ी ने अखबार उसके हाथ से ले लिया। इसे फौरन जला दें अभी। क्यों, अखबार की इसी कॉपी में तस्वीर छपी है क्या? वो हंसने लगी। फैजू सो रही थी, इसे प्यार से कह देना। वो आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। रज़ी को कौन सा पीछे पीछे आना है, ये सोचकर फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ चल पड़ा। उसने घल्लू फ़कीर से पानी पिया। घल्लू फ़कीर ने उससे शिकायत की कि अगले रोज़ दोनों बहनें एक चारपाई पर अकेली बैठी थी। फैजू ने हमेशा की तरह अपनी बहन से नौजवान नई नवेलियों वाली जज्बाती बातें सुनने के लिए टॉपिक छेड़ने की बार बार कोशिश की। यह उसका तजुर्बा था। जब उसकी बहन की पलकें भीगी होती थी और वो उदास होती थी, उस वक्त उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है। हाँ, ये बताओ फैजू, वो मुझे एक मंज़र बहुत अच्छा लगता है। कभी तुम किसी रेलवे स्टेशन गई हो? थल का कोई वीरान स्टेशन, आबादी से हटकर, वहाँ गहरी खामोशी, चिड़िया भी न बोलती हो, वहाँ सुनसानी के डेरे। आठवें पहर पर स्टेशन पर आकर एक ट्रेन रुकती है, बस घड़ी पल को मेला सा लग जाता है। नए नए चेहरे, नई नई आवाज़ें, इसके बाद गाड़ी सीटियाँ बजाती चली जाती है। तमाम रौनक के साथ लिए अपनी रौनक खुद ही समेट कर ले जाती है। और दो निगाहें, दो काली और चमकती रेलवे लाइनों पर उसके पीछे दूर तक फिसलती चली जाती है। दूर फिर स्टेशन पर काली उदासी और वीरानी, काली चुप, काली उदास धूप छाव, ये सब सरकंडों से निकलकर फिर से स्टेशन पर कब्ज़ा जमा लेते हैं।